बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नईम रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने फाइवर के बारे में तो सुना होगा। फाइवर के जरिए बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। अगर कोई लोगो डिजाइन करता है, कोई वेबसाइट बनाता है, वो सारे के सारे फाइवर पे मौजूद है। वहां से इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स लेते हैं, उन ऑर्डर्स को कम्प्लीट करते हैं और उस कम्प्लीशन के बाद वो डॉलर्स कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने स्किल्स के बारे में तो बता दिया हुआ है आपको, हर चीज मैंने स्किल्स में बता दी, आप कौन से स्किल्स सीख सकते हैं, 10 बेस्ट स्किल्स मैंने बताए। तो मैंने सोचा अगर आपने जो है ना वो स्किल सीखने का फैसला कर लिया है तो उसके साथ साथ आपके पास फाइवर का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये वाली वीडियो जो है वो फाइवर का एक ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम फाइवर को मुकम्मल कवर करने जा रहे हैं, फाइवर का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल पे जाके सेटिंग्स कैसे करनी है, सेटिंग्स कौन कौन सी जरूरी होती है, डिस्क्रिप्शंस कैसे ऐड करनी है। इन सब को ऐड करने के बाद हमने गिग्स पे फोकस किया है। इस वीडियो में हमने गिग्स पे फोकस किया है क्योंकि वही जान होती है फाइवर पे ऑर्डर्स हासिल करने में। गिग्स का टाइटल कैसे रखना है, उसके कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइवर की बहुत अच्छे अंदाज से डिस्क्रिप्शन खुद लिख सकेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक ऐसा टूल बताया है, फ्री टूल है, उसको आपने यूज करते हुए आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है। फिर हमने ये बात की है कि गिग के अंदर आपने कैसे फोटो कैसी ऐड करनी है और उसके बाद आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। ये सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। तो हमें इस वीडियो में जो है आपका साथ चाहिए, और जहां पे भी आपको मसला बने आपने कमेंट में बताना है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा वहां पे बता दूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि नाइस ट्यूटोरियल। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और मैं आपके लिए बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके भी कोर्सेज लेके हाजिर हूंगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हाजरीन, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब हम फाइवर सर्च करेंगे। ए टू जी मैं अब सब बताने जा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देख लीजिए और एंड तक देख लीजिए ताकि आप हर सेटिंग से भी वाकिफ हो जाएं और हर चीज़ आपको फाइवर के बारे में पता हो। ये हमारे पास फाइवर है, फाइवर वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी है, इसका ये इंटरफेस होता है। अब हमने इसमें बेसिकली साइन इन करना है, ज्वाइन करना है फाइवर को। तो फाइवर पे आप जैसा कि देख सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, एनएफटी आर्ट, ये जो हैं वो चार पॉपुलर बने हुए हैं इस वक्त स्किल। तो ये पॉपुलर स्किल आपको फाइवर बता रहा है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं या वर्डप्रेस सीख लेते हैं या लोगो डिज़ाइनिंग या एनएफटी आर्ट सीख लेते हैं, एनएफटी आर्ट के बारे में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इनके बाद आप फाइवर अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलें और आप उन पर काम करें, प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन, आपने ज्वाइन पे क्लिक कर लेना। अब ज्वाइनिंग करने के बहुत से तरीके हैं, एक तो है फेसबुक, फिर गूगल है, फिर एप्पल आईडी है, या उसके बाद आप अपना ईमेल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है ना वो गूगल के साथ इसको लिंक कर लेना चाहिए, जो आपका जीमेल का अकाउंट है ना उसके साथ आपको लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। अगर आप नहीं कंटिन्यू विद गूगल करना चाहते तो आप उसमें से नेक्स्ट ईमेल या पास अपना नेक्स्ट ईमेल और फिर बाकी डिटेल्स देके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि इसको गूगल के साथ करना चाह रहा हूँ, ये मेरा लॉगिन है लाइफ अहले कलम आर्टिकल्स वाला, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पे आऊँगा। अब इसने मेरा यहाँ पे वहाँ से जो मैंने क्लिक किया ईमेल को, तो यहाँ पे उसने मेरा खुद ही यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया। यूज़र नेम क्या होता है, आपकी कंपनी का नेम हो सकता है, इसमें स्पेस नहीं देनी होती। आपकी अगर पर्सनल नेम है तो आप उसको पर्सनल नेम भी बना सकते हैं, जैसे मैं यूजुअली अपने जो मेरा अकाउंट है फाइवर का उसमें पीडी नेम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको डमी बना के दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको लर्न विद नईम ही रखूँगा क्योंकि आप मेरे यूट्यूब का चैनल का नेम है। तो ये हम देख लेते हैं, अगर ये अवेलेबल होगा तो ये सामने आपके ये ग्रीन टिक शो हो गया है, तो इसको आप देख लेंगे। ईमेल हम मैंने इसी से ही करना है, बेसिकली वहां से उसने ईमेल और नाम एक्सट्रैक्ट किया है, तो आप ज्वाइन पे क्लिक कर दें। तो जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपका अकाउंट बन चुका हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने क्या लर्न विद नईम, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट
ठीक है, अब एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए ईमेल मुझे पहुंच गया मेरे अकाउंट में। हमने मेल पे जाना है, mail.google.com। ईमेल चेक करेंगे, वहां पे इनका ईमेल आया होगा, उसको हमने वेरीफाई करना है कि वो ईमेल हमारा था। ठीक है, तो जनाबे वाला ये ईमेल हमारा स्पैम में भी जा सकता है, देख लेते हैं। अभी तक नहीं पहुंचा हमें, तो ये थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा, हम स्पैम में भी देख सकते हैं इसको। स्पैम में भी नहीं है तो हम वहां पे, अगर ये आपको फौरी मेल ना आए तो आप यहाँ पे जाके ये रीसेंट ईमेल भी कर सकते हैं। अब वो कहता है योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, बिकॉज हमने इसको गूगल के थ्रू ज्वाइन किया है तो अकाउंट हमारा एक्टिवेट है, इसलिए वहां पे ईमेल नहीं गया है। अब कहां पे, अब ये आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है, ये आपके सामने बायर्स की स्क्रीन शो हो रही है, जहां जिस बंदे ने भी प्रोजेक्ट लेने होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट करवाने होते हैं, तो वो इस ये स्क्रीन उसके सामने आ रही होती है। सबसे पहले उसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लें कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो ये देखें इतनी अहमियत की हामिला कि हमने अभी अकाउंट बनाया ही है तो हमारे सामने ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग ही घूम रही है। तो आपने इसको चूंकि लोगों की सर्विसेज खरीदनी नहीं है बल्कि आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने ये जो एल शो हो रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना और प्रोफाइल पे चले जाना। अब प्रोफाइल पे अब आ चुके हैं आप, तो ये चूंकि हमने सबसे पहले काम जो करना होता है वो ये कि अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना होता है, हमने सबसे पहले तस्वीर लगानी है इस पे कोई, तो आप अपनी अच्छी सी प्रोफेशनल सी तस्वीर ढूंढ लें और वो अपलोड कर दें। मैं चाहता हूँ, मेरे पास, मैंने चूंकि डमी बनानी है तो मैं कोई भी तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। आप अपनी प्रोफेशनल सी तस्वीर अपलोड करें, या अगर आपकी कंपनी का फाइवर अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आप वो अपलोड कीजिएगा। ये यहाँ पे अपलोड होगी, सिंपल सा टास्क था। अब आपने ये करना है कि नीचे जो आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, ठीक है, तो आपने इसमें तीन चार लैंग्वेज ऐड कर देनी है। इंग्लिश आपने ऐड की हुई, वो पहले से ऐड होती है, ठीक है, बेसिक है, उसको आप बेसिक नहीं रखें बल्कि आप उसमें नेटिव बायलिंगुअल कर लें, ठीक है। नेटिव बायलिंगुअल से मरा दिया कि आपको ये जुबान बड़ी प्रोफेशनली वे में आती है और ये आपकी मतलब मादरी जुबान है या आपके इलाके की जुबान है। तो आप नेक्स्ट जो है मेरी तो उर्दू, और ये उर्दू नीचे आ जाएगा तो इसमें ये भी मेरी नेटिव है। और फिर आप हिंदी, हिंदी जो है हमारे हिंदुस्तान की जुबान है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं क्योंकि इसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें आप फ्लुएंट कर लें। और इसके बाद आपके पास चूंकि पंजाबी भी बहुत ज़्यादा हमारे एरियाज में बोली जाती है, लाहौर और इंडिया में भी, पंजाब में, तो आप इसको भी फ्लुएंट कर लें। तो ये हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड कर ली हैं। अब ये हमारे पास लैंग्वेज ऐड हो चुकी, आपने अब करना ये है कि इसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। ये डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या मैं मतलब जो है वेब डेवलपर हूँ या मैं जो भी हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एन एक्सपर्ट हैंड्स ऑन वेब डेवलपमेंट, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है आप कमेंट में मेरे से आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है तो मैं आपको ये बना दूंगा। लेकिन ये इसमें आपने गलती नहीं करनी है, ना इंग्लिश की गलती करनी है और ना ही मेरी, अगर इसमें इंग्लिश की गलती हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ। तो ये सिर्फ शो करने के लिए है आपको, एन एक्सपर्ट हैंड ऑन वेब डेवलपमेंट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से अपनी बातें लिख लेनी है कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग में क्यों अच्छा हूँ और मैं जो है जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में आपने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा मतलब 5-7 लाइंस का पैराग्राफ लिख देना। मैं चूंकि एक लाइन लिखता हूँ सॉरी, तो आप इसको इसमें ही आपने डिफाइन करना था कि आप बेसिकली हैं क्या। अब ये आपने ऐड कर दी, यहाँ पे आएंगे आप लर्न विद नेम के नीचे एक टैग लाइन, यहाँ पे स्टोरी आपने पता नहीं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपर
एंड Shopify एक्सपर्ट। ठीक है, मैं अपने दो यहाँ पे स्किल्स बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे एक स्किल अगर कर रहे हैं तो एक, दो कर रहे हैं तो दो, आपने वो बता देने और इसको आपने अपडेट कर देना। ठीक है, ये अब आपका एरिया कवर हो गया, तस्वीर हमने लगा ली है, हमने टैग लाइन दे ली है अपनी, ये सबको शो होनी है। ठीक है, ये जो टैग लाइन अभी लगाई है हमने, ये सबको शो होनी है कि आपने क्या लिखा हुआ है। वो जैसे ही बायर कोई आएगा तो वो इसको सबसे पहले देखेगा। फिर आपकी ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ये अगर आपने अच्छी लिखी हुई है तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि आप कितने कोई काम के बंदे हैं। फिर लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे तो वो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में डील करेंगे, तो आपने इंग्लिश को लाजमी यहाँ पे नेटिव रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फेसबुक, ड्रिबल, स्टैक ओवरफ्लो, जीआईटी हब, ये अगर ट्विटर या फेसबुक आपके पास यूजली होगा, आपने उनको कनेक्ट करना है इसके साथ। फेसबुक को लिंक करना है, आप मेरी तो यहाँ पे फेसबुक नहीं, लॉगिन, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ईमेल और पासवर्ड से और उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा। जो जो अकाउंट यहाँ पे आपके हैं, जीआईटी हब पे है तो वो भी कनेक्ट कर दें, अगर आपका आप डिवेलपर हैं तो आपका होगा। अब नीचे काम हमारा है, हमने स्किल्स ऐड करने हैं। मैं चूंकि इसको वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड बना रहा हूं तो मैं क्या कहता हूं जनाबे वाला, मेरे मुझे वर्डप्रेस आती है। ठीक है, वर्डप्रेस ये मेरा स्किल है। ठीक है, ये एक हो गया, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, आपने भी एक्सपर्ट ही लगाना है इसमें। और देन जो भी आपका है, मेरे पास दूसरा है, मैं जी Shopify कर रहा हूं। ठीक है, Shopify, ठीक है, अब मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूँ। ये अब आपने दो अपने स्किल्स ऐड कर लिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल है तो आप उसको करें और उसके बाद ऐड करने के बाद ये आपकी स्किल होगी। अभी आप आगे जो है ना अपनी एजुकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने PhD की हुई है, या आपने जो भी किया हुआ है टाइट। मैं चूँकि यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देता हूँ, तो आप भी इसी तरह अपनी ये वाली फील्ड भी मुकम्मल कर लें। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ये आ गई, और मेरा जो टाइटल, मैं बाकी मैं चूंकि मेरा तो डमी है तो मैं इसमें कुछ भी, ये साइंस और ये टाइटल जो है ना वो मेरा है, यहाँ पे आ जाएगा BSc कर लें आप, BS नहीं आ रहा तो ठीक है BSc कर लें, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो भी आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। चलें इसको आप ऐड कर दें यहाँ पे। ये अब आपका सर्टिफिकेशन ये है कि अगर आपने किसी ऐसे कोर्स को लिया हुआ है जो जिस पे आपको सर्टिफिकेट भी मिला है, गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपने किया हुआ है, या आपने डिजी स्किल्स जो है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, अगर कोई इंडिया में इंस्टीट्यूट है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या आपके पास वैसे कोई आपने कंपटीशन जीता हुआ है, जो भी किया हुआ है, जितने सर्टिफिकेट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फेक ना हो और रियल ही, मतलब इतने अजीब से ना हो कि लोग समझें कि ये बिल्कुल ही फजूल काम किया हुआ है। अब ये काम आपका हो गया, सेटिंग्स, ये आपकी प्रोफाइल की सेटिंग होगी। अब आपने जनाबे वाला आ जाना है जो हमारा है ना बिकम अ सेलर। ठीक है, ये अब हम कर चुके हैं, ये बिकम अ सेलर में आपको बेसिकली वो कोर्स सिखाएगा, इसमें हमने नहीं जाना, ये कोर्स आपने पहले कर लिया हुआ जो भी है। अब आपने इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जब आप सेटिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम दे देना है। ठीक है, मैं चूंकि गूगल से किया था मैंने तो वो नईम रहमान, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये आपने सेटिंग्स अपनी करके रखनी है। ऑनलाइन स्टेटस यहाँ से आपने ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, और इसको सेव कर देना है, क्योंकि जब ये सेव होगा तब आप ऑनलाइन जाएंगे दुनिया के पास, अदरवाइज आप कुछ ऑफलाइन शो हो रहेंगे। यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट नजर आ रहा है ये ऑनलाइन शो करने का नाम है। अगर आपने अकाउंट डीएक्टिवेट करना तो फिर इसमें यहाँ पे रीजन आप देख के डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमने करना ही नहीं है। अब अकाउंट की सिक्योरिटी में चले जाएं, सिक्योरिटी में देख लेते हैं। पासवर्ड अगर आपने न्यू लगाना है तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फोन भी आपने वेरीफाई लाजमी करना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपने सेट कर लेना है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर देना। फोन को कैसे वेरीफाई करना, जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो आपका कंट्री पूछेगा, यहाँ पे फोन नंबर पूछेगा और आपका 6 हिंसे का या 4 हिंसे का कोड आपकी जो है वो मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा, मोबाइल SMS में, तो वहां से आपने फिल करना, तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी सेटिंग मुकम्मल होगी।
बेसिक सी सेटिंग है, और उसके बाद नोटिफिकेशंस में यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको सारी ऑन रहने दें क्योंकि आपको आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। कंपनी है तो आपने कंपनी का लोगो और फिर उसका बिजनेस नेम और फिर उस बिजनेस के इस बारे में सारी डिटेल्स, ये आपने करना है अगर आप कंपनी की वेबसाइट वो कंपनी के लिए फाइवर अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप इसको इग्नोर कर दें। अभी आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है, फुल नेम आपने डालना है, कंपनी नेम कंपनी है तो ठीक है अदरवाइज इसको छोड़ दें, कंट्री आपने डालनी है, स्टेट डाल देनी है, स्टेट आपकी पंजाब है, सिंध है, जो भी है, या इंडिया में से आपकी जो है वो जो भी स्टेट है उसको आप डालिए, सिटी आपने अपने मुताबिक, और फिर पोस्टल कोड और फिर वैट नंबर इग्नोर कर दीजिए अभी आपके लिए नहीं है। देन आप जो है आप इनवाइसिस को अपने लिए वहाँ पे भी कर सकते हैं, चूँकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती हैं, ये बेसिकली है अगर आपने कभी कोई चीज़ बाय करनी है फाइवर पे तो इसके लिए पेमेंट मेथड है। अभी के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब आपने बेसिक काम हमारा मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि गिग बनानी है। अब हम आए हैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे हमारे पास सबसे पहले ये लिखे इट सीम्स दैट यू डोंट हैव एनी एक्टिव गिग्स गेट सेलिंग, ठीक है। वो कहता है आपकी गिग अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है, आप गिग बनाएंगे। गिग बनाना क्या होता है, गिग ये है कि अपनी सर्विस के बारे में आपने डिटेल्स देनी है। तो आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे जाना, ठीक हो गया। यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने गिग बनानी कैसे है, वो एक पूरा कोर्स करवा रहा होगा, लेकिन आप चूंकि इसको कंटिन्यू कर दे, मैं आपको खुद बता रहा हूँ तो आपको ये। वो कहता है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, पहले टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट टू बी। वो कहता है प्रोफाइल की सेटिंग सारी मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे। फिर वो कहता है ऐड क्रेडिबिलिटी लिंक आउट ऑफ योर प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। फिर उसमें ऐसे लिंक्स भी जरूर डालें जो आपके काम को शो कर रहे हो कि आप प्रोफेशनली काम किए हैं या आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है। फिर आपने एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है अपने प्रोफेशनल स्किल्स को, ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन टैगलाइन में भी बता दिया और वैसे फुल डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया। पुट अ फेस टू योर नेम, ठीक है। आपने तस्वीर को क्या था लाजमी अपलोड करनी है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपने शो वेरीफाई कर लेना है अपनी आईडी को, ताकि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं उसको भी आप फुलफिल कर लें। ये आईडी आप वेरीफाई आपसे वो बाद में कहेगा जब आपको जरूरत होगी। अब वो कहता है कि आपने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, ठीक है। और ओपनिंग आपने डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाने, आपने सोलिस्टिंग अदर कम्युनिटी नहीं करनी, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हम ये नहीं कर रहे। आपने यहाँ पे अब जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है सारी। अब आपने सेकंड में पर्सनल इन्फो में आपने ऑक्यूपेशन आपने ऐड कर लेना है। आप जो है, मैं चूंकि वेब डेवलपर हूँ, मेरा ये आएगा प्रोग्रामिंग एंड टेक में। आप अगर जो है लोगो डिजाइनिंग में आ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन में आ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं या राइटिंग एंड जो भी जिसमें भी आप आ रहे हैं आपने वो करना है। तो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को चूज कर लेना है। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। वर्डप्रेस में मैंने ऐड किए हुए हैं, मेरी डिग्री भी ऐड है, हर चीज़ मेरी ऐड है, सर्टिफिकेशन मैंने नहीं ऐड करनी, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कहता है मेक श्योर यू हैव एडेड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू वो, चूँकि मैंने इसमें ये ऐड नहीं किया हुआ तो ये मेरा 2016 से 22 तक का सफ़र है। आपने यहाँ पे अपनी ये भी लिख लेनी है कि आपने कब से कब तक ये वाला किया हुआ है। लिंक्ड अकाउंट गूगल आपका लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। और ये आपने अगर कनेक्ट करने हैं बाकी अकाउंट, तो ये हम सारी सेटिंग्स पीछे कर चुके हैं। तो अब हमने फोन नंबर अगर आपने लगाना है लगा लें, मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और जब आप फोन नंबर कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है ये गिग बना सकें। चलें जी, अब नंबर वेरीफाई हो गया, अब हम गिग बना सकते हैं। तो ये गिग बनाने के लिए जब हम क्रिएट गिग पे जो है ना वो मेक गिग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आता है। इसमें हमारे पास गिग टाइटल उसने पूछा हुआ है, उसकी कैटेगरी, फिर सर्च टैग्स पूछे हुए हैं। तो जो टाइटल है ना आपने उसको जो है उसके अंदर एक कीवर्ड इंसर्ट करना है। टाइटल कैसे ऐड करना होता है, हम ना करते ही हैं कि जब भी टाइटल ऐड करना है उसमें हम किसी ना किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहा होता है, ताकि हमारी गिग भी जो है वो रैंक कर जाए, मेन पेज पर आ रही है। मैं आपको फाइवर पे लेके जाता हूँ। गेस्ट मोड में हम जाते हैं, हम फाइवर को देखते हैं कि हमारा जो
स्किल है उसके बारे में क्या सर्च किया जाता है। ठीक है, अभी जब ये फाइवर हमारे पास ओपन हो रहा है तो मेरे वाला जो स्किल है वो है वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस वैसे भी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसकी जो है वो सेलिंग ज़्यादा होती है। तो अब हमने ना जब ये फुल लोड हो जाता है तो यहाँ पे हमने सर्च करना है आपने, मैं चूँकि वेबसाइट बनाऊँगा तो मैं सर्च करूँगा वेबसाइट, वेबसाइट के रिलेटेड मैं सर्च करूँगा। तो ये देखें जैसे ही मैं लिखता हूँ वेब, तो वेब के साथ साथ मेरे पास ये देखें कितने वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट इन वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, वेबसाइट डिज़ाइन, विक्स वेबसाइट, वर्डप्रेस। ठीक है, अगर मैं फर्ज करें अब ये यहाँ से मुझे कीवर्ड पता चल जाएगा कि क्या मैंने उसमें डालना है। अगर मैं पूरी वेबसाइट लिखता हूँ तो ये देखें वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट शॉपिफाई, वेबसाइट विक्स, वेबसाइट वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन शॉपिफाई, फर्ज करें मैं वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस वाला प्लगइन क्लिक कीवर्ड चूज कर लेता हूँ। अब इस पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करके अपने टाइटल में ऐड कर, आई विल मेक, ठीक है, वी आई विल ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, आप यहाँ पे मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस फॉर यू। ठीक है, आप ये आपका टाइटल हो गया। ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से जो कीवर्ड का मैंने आपको बताया आप उस तरह जो है ना अपना कीवर्ड बना सकते हैं, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप टाइटल अच्छा बना सकते हैं, आई विल मेक अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर। ठीक है, अब ये मेरा टाइटल हो गया। आप इसी तरह जो है ना दे सकते हैं, इसमें भी आपने स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं करनी। फिर आपने कैटेगरी चूज करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी आपको बता देगा। देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग वर्डप्रेस की, ग्राफिक डिज़ाइन में वेबसाइट डिज़ाइन की, और प्रोग्रामिंग एंड टेक में वेबसाइट बिल्डर्स की। तो मैंने इसमें प्रोग्रामिंग टेक वर्डप्रेस की चूज़ कर ली, ये मेरी कैटेगरी। फिर मैंने कैसी वेबसाइट्स बनानी है, ये सारी की सारी मैं ब्लॉग भी बना सकता हूँ, एजुकेशन की भी, बिजनेस की भी, पोर्टफोलियो, ये सारी की सारी मैं बना सकता हूँ। आपने जो भी स्पेसिफिक काम करना है आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन में उसको चूज कर। ठीक है, मैं सारे प्लगइन भी सपोर्ट करूंगा वर्डप्रेस में क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ठीक है, ये इसको सारी को मैंने क्लिक कर देना है। फिर प्लगइन इंटीग्रेट कौन कौन से करूंगा, ये सारे भी मैं जो है ना वो करके दे सकता हूँ, मुझे इतने एक्सपर्टीज है, मैं इन पर काम कर सकता हूँ। तो आप ये सारे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपने टैग्स देने हैं, टैग्स कैसे देने हैं, टैग्स देने के लिए आप फिर मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा। आपने क्या करना है, ये सबसे अच्छी जो आप अपनी नीच में आएंगे नीचे, यहाँ से यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, राइटिंग, जो जिसमें भी आपकी कैटेगरी में आपका स्किल आता है तो आपने उस स्किल पे क्लिक कर देना। मेरा चूंकि यहाँ पे मेन पे आ रहा है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे मैं जाऊँगा तो मैंने देखना है जिसकी गिग सबसे ऊपर रैंक कर रही है, ये बंदा है लेवल 2 सेलर है विजन वीपो। ठीक है, इसकी 1000 प्लस प्रोजेक्ट कम्प्लीट हैं और इसकी जो है गिग रैंक कर रही है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे से देखूंगा टैग्स, टैग्स क्या लगाता है, ये वही टैग मैं यूज करूंगा। ये जनाबे वाला वर्डप्रेस स्पीड, इंक्रीज स्पीड और जीटी मैट्रिक, ये क्योंकि स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट, सॉरी ये स्पीड अप वाला है तो इसको हम स्पीड अप वाले को नहीं हम देखेंगे, आज डिजाइन एंड डिवेलप वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये फाइवर की च्वाइस है, वो स्पीड अप वेबसाइट को हमने, मैंने कंप्लीट वेबसाइट बना के देनी है, मैंने स्पीड नहीं करनी, तो लिहाजा मैं अपने कीवर्ड अपने ही रिलेटेड ढूंढूंगा। तो इसमें हमारे पास वेबसाइट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये वाले कीवर्ड यूज हुए हैं। तो आपने ये कीवर्ड्स उठाने जिस अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बंदे के टैग आपने यहाँ पे लगा देने। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये नीचे भी आ जाएगा आपके पास सजेशन भी आ जाएगी, तो आपने इसमें पे लगा देने। ठीक है, मैं चूंकि अभी आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ तो इसलिए, फिर आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल लाइसेंसेस एंड राइट्स। ठीक है, आपने इसमें क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जब आप सेव कर देंगे तो अब आपने यहाँ पे प्राइसिंग सेट करनी है, फर्स्ट के मैं आपने तीन पैकेजेस इसमें बनाने हैं। ठीक है,
वो मुझे यहाँ पे ये जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाना शुरू करता है। बेसिक आप नाम रख लें सिल्वर, मैं सिल्वर रखता होता हूँ, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। अब आपने चीज नावे वाला डिस्क्राइब करना है इसको कि इसमें आप क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि मैं 5 पेजेस की वेबसाइट से इसमें बनाऊंगा। आपने इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है कि बेसिक में आप क्या प्रोवाइड करें। 5 पेजेस वेबसाइट, इसमें मैं 10 पेजेस दूंगा, इसमें मैं जो है वो 15 पेजेस दे दूंगा। ये मैं 3 दिन में डिलीवर करूंगा ये वाला काम, आपको पता है आपने कितने दिन में करना। बाकी आप वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ये डिफाइन करना है, टाइम कौन सा रखना है, वो सारी बातें मैं अभी बताता हूँ। 7 दिन में नीचे मैं इसमें जो है ना मैं 3 दफ़ा रिवाइज करके दूंगा, इसमें मैं जो है ना 6-7 दफ़ा कर दूंगा और इसमें मैं 10 दफ़ा रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। ये अनलिमिटेड टाइम कर देगा। प्राइसिंग इसकी मेरी जो है ना वो $50 मैं सेट, आपने अपने स्किल के मुताबिक करनी है सेट। इसकी मैं जो है ना वो 75 कर देता हूँ और इसकी मैं 100 कर देता हूँ, आप अपने मुताबिक जो भी। अपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर आप कहते हैं, अगर आपसे किसी ने बहुत जल्दी काम करवाना है तो आप कहते हैं मैं 1 दिन में भी कर सकता हूं, लेकिन मैं $50 एक्स्ट्रा लूंगा। और अगर ये जो स्टैंडर्ड वाला है वो आप कहते हैं मैं 2 दिन में कर दूंगा, लेकिन मैं $80 एक्स्ट्रा लूंगा। और इसी तरह ये आपने अपने मुनासिब कीमत रखनी है। अगर ये 3 दिन में करके देंगे तो आप कहते हैं मैं $100 उससे एक्स्ट्रा लूंगा। एडिशनल रिव्यू अगर किसी को रिक्वायर है तो वो आप $5 में देंगे, या स्टॉक फोटोज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये यूजुअल हम नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, हम वैसे कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी गिग को डिस्क्राइब करना, ये असल आपका पोर्शन है जहाँ पे आपको जरूरत है कि आप सीखें ये कैसे लिखनी। अब मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ जहाँ से मैंने ये कीवर्ड उठाए थे, तो मैं उसी का ये देखता हूँ डिस्क्रिप्शन उसने कैसे लिखी हुई है। जनाबे वाला उसने लिखा है आई विल डिजाइन एंड डेवलप अ प्रोफेशनल आई कैचिंग मॉडर्न एंड फुली रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, आई ऑलवेज डिस्कस प्रोजेक्ट इन डिटेल टू फुली अंडरस्टैंड माय क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ये बातें उसने लिखी हुई है। आपने ये वाली चीजें तो एज इट इज कॉपी कर लेनी है, वाई चूज मी, थोड़े से इसमें आपने वर्ड्स की हेरा फेरी करनी है। तो आप ये बात वैसे ले आएंगे, बाकी आपने क्या करना है, अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, ये इसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लें, सेटअप का वर्ड निकाल दें ताकि कॉपी पेस्ट में ना आ रहा हो। इंक्लूडेड यहाँ पे आप लिख लें व्हाट यू विल गेट, ठीक है। आपने सिर्फ वर्ड्स को चेंज करना है गेट, ठीक है। अब ये इस तरह आपने भी ये लाजमी बताना है कि मैंने क्या क्या देना है, वाई चूज मी, आपके 200 क्लाइंट्स नहीं होंगे, 5-star रिव्यूज भी नहीं है, तो ये सारी चीजें निकालते नहीं है। लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरे लोकल मार्केट में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं हमेशा ऐसे करके देता हूँ, या जो भी आपकी क्वालिटीज हैं वो आपने डिफाइन कर देनी है। और ऊपर आपने इसी पैराग्राफ को आपने ये कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने जनाबे वाला चले जाना है, एक आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, क्विल बोर्ड की, ठीक है। क्विल बोर्ड पे आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने वाला ये वाला टेक्स्ट पेस्ट करना, ठीक है। ये आप जब टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, अगर जो भी बात आप लोगों को समझ ना आ रही हो इसमें, वो आप सिंपली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। आपने पैराफ्रेज कर लेना है इसको, पैराफ्रेज मतलब ये रीराइट करके दे देगा, बात वही होगी लेकिन ये सारी की सारी बात को दोबारा आपके अंदाज में लिख देगा। देखिए आई विल डिजाइन एंड डेवलप को उसने फॉर यू आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल आई कैचिंग मॉडर्न एंड, अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, रिस्पॉन्सिव की जगह पे मोबाइल फ्रेंडली, फुली फंक्शनल, जो भी आप चूज करना है, हर लफ्ज पे आपके पास ऑप्शन होगा कि उसकी जगह पे आप कौन सा सिनोनिम यूज करना चाहते हैं। तो इसकी मदद से आप किसी की भी कॉपी करके उसको रीराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेके तो यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट कर दें, जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। नीचे आपने फैक्ट्स बनाने, फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर मेरे मामले में हो बात तो ये है कि मुझसे ये पूछा जाता है कि आप होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं या नहीं, तो मैं लिखूंगा आई डू यू प्रोवाइड होस्टिंग आर नॉट, तो मैं लिखूंगा येस या नो, ठीक है। इसी तरह आप अपनी इन बंदों की भी दे सकते हैं फैक्ट्स, इनके फैक्ट्स हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनके फैक्ट्स होंगे यहाँ पे, ये कि डू यू प्रोवाइड होस्टिंग, देखा ये मेरे रिलेटेड जो भी होते हो ये पूछता है व्हाट डू आई नीड टू गेट स्टार्टेड, ये सारी बातें आपने, जैसे ये मेरे क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पहले पुट कर देना है यहाँ पे,
और यहाँ पे उसका आंसर पुट कर देना। तो मैंने नहीं ऐड करना, मैं आपके लिए वैसे बना रहा हूँ, तो आप सेव करें और कंटिन्यू करें। अभी आप रिक्वायरमेंट ये कि जब काम स्टार्ट आपने करना है तो आपको क्या चाहिए, तो मुझे तो होस्टिंग एंड डिटेल्स चाहिए, होस्टिंग डिटेल्स चाहिए होती है, और या क्योंकि मैंने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहिए होता है तो मुझे होस्टिंग की डिटेल्स चाहिए। आपको लोगो के बारे में, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर क्या लिखना है वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। जो भी आपको काम स्टार्ट करने से पहले अपने क्लाइंट से चीज़ चाहिए वो यहाँ पे आपने पूछना नहीं है और ऐड कर देना है, और देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपकी गैलरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, इस पे आपका जो है वो ऑर्डर बेस करेगा। ये आप, मैं आपको जिस बंदे को हम फॉलो कर रहे हैं मैं उसका बता देता हूँ। देखें ये कितना खूबसूरत उसने डिज़ाइन किया हुआ, एक लगाया हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। अब आप देखें इसको, ये उसने इसमें ये तो उसने अपने पोर्टफोलियो लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जनाबे वाला ये उसका जो है ना, इस तरह का आपने भी डिज़ाइन किया हुआ कोई ना कोई अपलोड कर देना है। आपने खुद डिज़ाइन कर लेना है या करवा लेना है, या जैसे मैं आपको डिज़ाइन करना भी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन करें। मेरा कोई अगर पड़ा हुआ है ये मैं लगा देता हूँ, फर्ज करें अमेज़न एफिलिएट वाला। अब आपने एक प्राइम, एक तस्वीर तो आपकी लाजमी रिक्वायर होती है, आप इसमें तीन लगा सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन फिर वीडियो भी लगा सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू करें। ये तस्वीर आपने अच्छी सी डिज़ाइन करके लगानी कि मैं ये करके दूंगा। अब आप इस पे गैलरी पे एंड करने के बाद आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पब्लिश कर देंगे तो ये लाइव हो जाएगी, तो ये हमारा काम है इसका, ठीक हो गया। अब खुद देखें कि ये कितना ईजी सेटअप था फाइवर का, इतना सा काम आपने करना है। और अब उसके बाद अगली बात हमारी, जब ये आपकी गिग लाइव होगी है तो गिग्स आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो उसके इंप्रेशंस आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। फिर आप बायर्स रिक्वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आ रही होती है बायर्स की। देखें, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर मोर, आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिव प्लगइन विद प्लगइन, गिव एग्जांपल ऑफ ऑलरेडी मेड वर्डप्रेस वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने सेंड ऑफर पे करना है, ये मुझे, मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव सेंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे उसको लिखेंगे कि मैं इसमें ये करके दूंगा, ये करके दूंगा, या ये मैं आपको करके दे सकता हूँ, ये मेरा पुराना मैंने किया है, उसमें अपनी आपने ऑफर करनी है, कितने पैसों में करेंगे, डिलीवरी टाइम करना है, और नंबर फ्रीजेंट बनानी है, और ओके कर देना है। तो ये आपकी सेंड ऑफर सेंड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को आपने सबको कर देना। ये यहाँ पे आपके पास वो गिग बना दी, गिग के बाद गिग पे अगर ऑटोमेटिकली ऑर्डर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 10 ऑफर्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। बायर्स यहाँ पे मोर पे आना है, बायर्स रिक्वेस्ट में आना है, इस तरह से रिक्वेस्ट होंगी। यहाँ पे आपने सेंड ऑफर पे क्लिक करना है, तो सेंड ऑफर के बाद आपने यहाँ पे वो चूज़ करनी है जिसके अंडर ये आपका आता है। तो जब वो गिग आपने चूज़ कर ली तो यहाँ पे आपने उसको अपनी सर्विस को डिफाइन कर देना है, और उसके पैसे करके और टाइम डिलीवरी बता के ओके करना है। यहाँ से भी लोगों को आप प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप करते हैं ये कि आपका ये बिल्कुल सेटअप है, फाइवर आपने सीख लिया है, इस पर कैसे आना है, गिग्स कैसे बनानी है। आप 7 की 7 गिग्स बना लें एक ही टॉपिक पर लाजमी, अच्छी कीवर्ड्स ऐड करके, डिस्क्रिप्शन अच्छी करके, विल बोर्ड इस्तेमाल करके, सारी चीज़ें करके आपने ये काम कर लेना है। तो व्यूवर्स, आपने ये देख लिया कि हमने फाइवर पे गिग भी बना ली, फाइवर का अकाउंट सेटअप कर लिया, उस पर हर सेटिंग कर ली है, बायर्स रिक्वेस्ट की भी बात कर ली है। तो अब हमने जो है इस फाइवर को कम्प्लीट कर लिया हुआ है। अब आपके पास इस पर मजीद काम करने वाला रह गया है, तो वो ये है कि आपने इस पर ऑनलाइन रहना है। आपने अगर फाइवर का अकाउंट बना लिया तो अगर आप ऑफलाइन चले जाते हैं तो इसका मतलब है आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जो फीचर सबसे अच्छा अवेलेबल है वो ये है कि फाइवर अलाउ करता है कि उन फ्रीलांसर्स को ऑर्डर्स दिए जाएं जो ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आने वाला, इसलिए आपने इसको ऑनलाइन रखना है। और उसके बाद आपने काम ये करना है कि आपने एक गिग जो हमने बनाई है वो बना के छोड़ नहीं देनी, आपने 7 की 7 गिग अपने स्किल के मुताबिक बनानी, क्योंकि जितने स्किल, जितने गिग्स आपकी होंगी उतने आपके ऑर्डर हासिल करने के चांसेस ज्यादा होंगे, रैंक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और उसके बाद अगली बात यह है कि हम नेक्स्ट वीडियोज में ये लेके आ रहे हैं कि आप अपने इस चैनल, वो जो आपने फाइवर अकाउंट बना लिया हुआ है, इसको आप बगैर ऑनलाइन रहे, बगैर कंप्यूटर स्क्रीन पर रहे ऑनलाइन कैसे रख सकते हैं, इसको कैसे लाइव रख सकते हैं, ये भी हम सिखाने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह अपवर्क पे, freelancer.com और गुरु पे भी होंगे। तो आज की वीडियो से इजाजत दीजिए।
है।